अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई बच्चों? आप लोग के ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? तो यार मैंने पहले काफ़ी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन एक या दो मरतबा मैंने रिकॉर्डिंग की लेकिन मुझे उसमें ऑडियो अच्छी नहीं मिली, तो आई थॉट आई शुड री रिकॉर्ड दिस थिंग अगेन। एक दो बातें आप साथियों के साथ करनी थी जो मैं पहले करना चाह रहा था लेकिन आई डिडंट गेट अ चांस। उसके अंदर एक चीज़ तो ये थी कि जो मुझे आए दिन मेरे इनबॉक्स के अंदर मुझे सवालात मिल रहे हैं, वो ये हैं कि यार दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं मुझसे मेरी मोटरसाइकिल के मुतालिक। एक तो ये कि जनाब आपने जो अपग्रेड किया है अपनी मोटरसाइकिल को 150 सीसी के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर टॉप स्पीड क्या मिली? नाउ अगर आप, मैं ये समझने की, इफ़ यू आर रेगुलर व्यूअर ऑफ माई वीडियोज़ और आप मुझे बाकायदा देखते रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको इतना पता है, आपको इतना पता है कि इस सवाल से मुझे कितनी चिढ़ है टॉप स्पीड की। मोटरसाइकिलें सिर्फ टॉप स्पीड के लिए नहीं ली जाती हैं, उनके अंदर अपग्रेडेशन की जाती है कि आपको सिर्फ टॉप एंड मिले और आपको सिर्फ बस रेसें जीतें और आप मच्छर रेसिंग के अंदर लग रहे हैं। देर आर अदर रीजंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी मोटरसाइकिल को जो अपग्रेड किया था वो इसलिए किया था कि वो कम से कम 100 की स्पीड पर क्रूज़ कर सके, विच आई एम गेटिंग एंड आई एम रियली हैप्पी विद सो फार, ठीक है। तो ये मेरी 150 सीसी की कन्वर्जन ये है। बाकी टॉप स्पीड का जहाँ तक ताल्लुक है मेरे भाई, तो देखिए टॉप स्पीड के लिए मुख्तलिफ चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। उसके अंदर कंप्रेशन रेशो भी देखा जाता है बाइक का, और जाहिर है कि सिर्फ पिस्टन चेंज किया है, वो एक लंबी बहस है कि किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है, मोटरसाइकिल के कंप्रेशन रेशो को बढ़ाने की कोशिश की जाए। और बात ये होता है कि आप नहीं भी बढ़ा सकते, बात ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है। तो वी गोना टॉक अबाउट दिस थिंग लेटर, लेकिन प्लीज़ मुझसे ये मत पूछा करें कि 150 सीसी के बाद आपको टॉप स्पीड कितनी मिली। मैंने चूँकि मोटरसाइकिल में ज़रा हैवियर टायर्स लगाए हुए हैं और हैवियर टायर्स लगाने की वजह से जो मेरी अपनी एक से YBR की जो अपनी है समझें कि जो स्पीड थी वो कम हो गई थी और वो ज़रा भारी चल रही थी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने 150 सीसी के ऊपर कन्वर्जन ज़्यादा बेहतर समझी कि एटलीस्ट इफ़ आई एम हिटिंग 100 किलोमीटर्स एन आवर और अबव दैट, कम अज़ कम मुझे ये ना हो कि बाइक बिल्कुल मर के चल रही है, उसकी जान निकल जाए, स्पेशली दो बंदों को बिठा के, तो वो इशू मेरे लिए ख़त्म हो गया। अच्छा सेकेंड चीज़ क्या है भैया, दूसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे वो ये कि आए दिन भाई आपने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ये फैट बार कहाँ से लगा लिया, या आपने रेंथॉल फैट बार कहाँ से लगाया, आपने फना चीज़ कहाँ से लगाई, आपने इस मोटरसाइकिल के ऊपर ये जो आपने 12 क्यूबिक ग्रिप्स हैं ये कहाँ से लगाई, आपने ये ट्रैश लिवर प्रोटेक्टर्स कहाँ से लगाए? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की है। aliexpress.com एक वेबसाइट है जो चाइना से, जिससे आप कहीं के सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। उसको सामान को ऑर्डर करने के लिए दो तीन चीज़ें आप लोगों को कंसीडर करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि वहाँ से ऑर्डर करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा aliexpress.com पे। सेकेंडली ये जो फ्री बना सकते हैं आप, और जब कोई चीज़ आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ऑर्डर करने के लिए एक अगर क्रेडिट कार्ड या वीज़ा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या वीज़ा मौजूद नहीं है तो उसके अदर ऑल्टरनेटिव ये होते हैं कि जो आपका जो मीज़ान बैंक हो गया या UPL हो गया, इनके ATM कार्ड होते हैं, इनके अंदर भी वीज़ा या मास्टर कार्ड का ऑप्शन होता है और ये आपको ऑनलाइन बैंकिंग सेशन अलाउ कर देते हैं, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ी सी फीस भी होती है इनकी, दैट्स इट। लेकिन आप अगर ऑर्डर कर रहे हैं 5 या 10 हज़ार रुपये की चीज़, फिर अगर आप उस पर 50 रुपये या 60 रुपये दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स एक्सेप्टेबल यार। और सेकेंडली ये कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ये करते हैं कि आप इन बैंक पे जाते हैं और आप बोलते हैं मुझे एक प्री पेड वीज़ा कार्ड बना दें, उसमें भी ये कोई फ़ी लेते हैं और आप प्री पेड ऑनलाइन परचेजिंग के लिए वो कार्ड बना के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भाई प्लीज़ अब मुझसे ये मत पूछना कि यार मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं कैसे करूँ और मैं नहीं ख़रीद सकता, आप मुझे ख़रीद कर भिजवा दें, मैं इस काम के लिए तो नहीं बैठा ना यार, जस्ट बी रियलिस्टिक। तो ये चीज़ प्लीज़ मुझसे आप लोग मत कहिएगा, ठीक है। आप अपने अबू से कह लीजिएगा अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपके अबू आपको ख़रीद के दे देंगे, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने सब ख़रीदा था अली एक्सप्रेस से। अब आप मुझसे लिंक मांगते हैं तो जहाँ से मैंने ख़रीदी नहीं चीज़ें वो सेल आउट हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें, तो होता यह है कि फिर आप इधर उधर से सर्च कर लें, ठीक है। मैंने आपको नाम बता दिया है
फैट बार, 28mm बार, मोटरसाइकिल ट्रैकर हैंडल बार, इस नाम से आप सर्च करें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके ऊपर राइजर क्लैंप्स लगते हैं 28mm राइजर क्लैंप्स YBR वगैरह के लिए, क्योंकि 22mm होता है, तो आप वो ऑर्डर कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद एक मैंने बात करनी थी, वो ये करनी थी भाई देखें कि अगर ये चीज़ें नहीं पहुँचें तो इनके पास एक बायर प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन होता है। मैं तो खरीदता रहता हूँ, तो बायर प्रोटेक्शन का ऑप्शन होता है कि 3 महीने तक अगर आपको चीज़ नहीं मिलती तो व्हाट डू यू डू, आप ऐसा करते हैं कि फिर आप जाकर उनसे रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं, डिस्प्यूट ओपन करते हैं और आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। बस एक एक्सेप्शन ये होती है कि अगर पाकिस्तानी कस्टम्स ने आपका सामान रोक लिया तो फिर आप जाएँ और कस्टम वालों को रिश्वत खिलाएँ या जो करें, अल्लाह हिदायत दे उन्हें, ये आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे अपना, जो हमारे अली एक्सप्रेस वाले हैं भाई हमारे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, इट्स अ रिस्की थिंग, लेकिन अगर मिल जाती है चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन मैंने आपसे सोचा कि इस बारे में डिस्कस कर लूँ चीज़। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यार फैट बार लगानी है जी, फैट बार लगानी है, फैट बार लगानी है, तो देखें भाई हर बाइक में फैट बार नहीं लगती और अच्छी भी नहीं लगती, हर चीज़ में जचती भी नहीं है। तो बस आप मेरी तकलीफ में कि जनाब इसने अपना हैंडल बार इस तरह का लगाया है तो हमें भी लगाना है इस तरीके के ऊपर, और एक भाई ने सुजुकी जीडी 110 में लगा लिया, किसी भाई ने 70cc में लगा लिया, तो दैट्स एन इनअप्रोप्रिएट थिंग। अपनी बाइक के हिसाब से आप थोड़ा बहुत इंटरनेट पर सर्च करें कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगेगी। मेरी जो भी अपग्रेड्स हैं वो एक प्रैक्टिकल रीजन्स के ऊपर हैं। आई एम राइडिंग अ होंडा दिमाग पर पड़ा हुआ है, यामाहा YBR 125G, तो मेरे हिसाब से ये जच रहा है हैंडल बार। लेकिन जाहिर है कि अगर आप कोई रेस बाइक चला रहे हैं या थोड़ी सी स्पोर्टी लुकिंग बाइक चला रहे हैं तो आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर मोस्ट प्रॉब्लली ये मज़े का ना लगे। ठीक है, GS 150 के ऊपर ये हो सकता है कि अच्छा ना लगे, तो फिर आप लगाएंगे, लगाकर 10,000 रुपये खर्च करेंगे या 5,000 रुपये खर्च करेंगे, तो बोलेंगे यार देखो उस बंदे ने मरवा दिया, बंदा तो ख़त्म है, बंदा तो फ्रॉड है, मौलवी है, ये है वो है। तो डोंट जस्ट गो फॉर द लुक्स, बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, मैं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉइंट करना चाहता हूँ। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं एक छोटी सी पॉइंट बाद आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग मैं आपसे मज़ीद कुछ बात करूँगा, वो थोड़ी सी राइडिंग टैबूज़ के बारे में हमारे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बात करना चाहता हूँ कि मीटअप्स के बारे में। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं मुझसे कहते हैं कि यार आप मीटअप क्यों नहीं रखते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 8,500 सब्सक्राइबर हो गए, तो ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड गोज़ टू यू गाइस, और यू गाइस डिज़र्व ऑल द क्रेडिट, आप लोगों के लिए है तमाम रिस्पेक्ट। मैं मीटअप रखने से इसलिए डरता हूँ कि लोग बेचारे आते हैं और आकर वो अगर ये शिकायत करें मेरे साथ कि यार मैं डेड बाइक ड्यूब से मिलने के लिए गया हूँ और मैं 1 घंटा बैठा रहा हूँ, उस बंदे ने मुझे बिल्कुल से मुँह नहीं लगाया, या अपने दूसरे दोस्तों के अंदर या अपने साथियों के साथ वो बिज़ी हो गया, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डरता हूँ कि किसी भाई को इस तरह से मैं नाराज़ करके जाने दूँ, और इसलिए मैं ये मीटअप्स वगैरह नहीं रख रहा था। एक दो भाइयों ने मीटअप्स रखे तो उसका नतीजा ये निकला कि जनाब मैं बैठा रहा एक तख्त के ऊपर और बाकी दूसरे साथी दूर बैठे हुए थे, और आई डिडंट गेट चांस टू टॉक टू देम, तो मुझे खुद बुरा लगा कि यार मैंने इन बेचारों से बात क्यों नहीं की। फिर बाद में उनको सलाम दुआ किया, माजरत भी की, लेकिन ये हो जाता है। तो लेकिन आई स्टिल वांट टू हैव मीटअप्स, आप लोग ज़रूर बताइए कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैं इस वक्त कराची के अंदर हूँ तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल कराची के अंदर मीटअप्स रख रहा हूँ, ठीक है, और इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड डू कम ओवर इंशाल्लाह, और वरना फिर पंजाब के। अच्छा भाई दोस्त, अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, तो अगर बाकी ये कि अगर मेरे पंजाब का टूर लगेगा तो इंशाल्लाह मैं पंजाब और हो सकता है केपी के वगैरह के एरिया के अंदर भी मीटअप्स रखने की कुछ तरतीब बनाऊँगा। तो दीज आर सम ऑफ माय थॉट्स, डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। रात का वक्त ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, इस वक्त 4 बजे नहीं रात के। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर हेलमेट। हाँ दिलाने इसको कुछ नहीं करना है, इसको इसके अंदर तेल बदलना है। नहीं तेल तो बदलना है, तो बदलना हूं। सफाई की है गाड़ी, साइलेंसर को क्या किया? साइलेंसर कुछ नहीं, साइलेंसर बदला दूसरा, ठीक है, कैमरा लगा। हाँ हाँ दिलाने, ठीक है ना, पीफर पकाओगे सब कर। तो भाई ये कौन सा ऑयल है वो मुझे दिखाई, 20W50 मैं दिखा दूँ बच्चों को। भाई ये है 20W50, ठीक है, ये मैं डालता हूँ अपनी बाइक में और 2,000 से 2,500 किलोमीटर के बाद डालता हूँ, ठीक है। तो आप बार बार पूछते रहते हैं कब कब चेंज करूँ, 2,000 से 2,500 किलोमीटर आराम से चल जाता है ये ऑयल, इवन ज़्यादा चले गए,